ये खत्म हो गया। क्या बोलता थी तू? इधर जाए ना दादी। चलो चलो कापी नहीं है इसमें ना आज यहाँ पे हमने जो बच्चों का यहाँ पे कोई कॉपी पेन वगैरह अपनी पार्टी की तरफ से और जम्मू कश्मीर के हम हर जगह कोने कोने में यही मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि जो एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज नौजवान जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनका कुछ ना कुछ भविष्य होगा। आज आप देख रहे हो कि जो लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई बच्चों की कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि स्कूल बच्चों के खुलने चाहिए और बच्चों को जो पढ़ाई है कंटिन्यू इनकी होनी चाहिए। आज गरीब बच्चे को हमने बुलाया यहाँ पे अपने कुछ एरिए में सिटी से जो काफ़ी गरीब लोग थे, जो औरतें वगैरह विधवा थी, जो उनके बच्चे छोटे छोटे थे, कुछ बर्तन साफ़ करती लोगों के घर में उनके बच्चे थे। आज इन गरीब बच्चों को हमने जो अपनी पार्टी की तरफ से बिस्कुट वगैरह और कापी पेन वगैरह इनको पार्टी की तरफ से भी दिए और जो हमारी स्टेट बॉडी थी सब ने जो बराबरी शेयरिंग की, सब ने पैसे डाल के आपस में, तो हमने यही गरीब लोगों को बांटे। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर में हर एरिया में पहुँचे हम, हर लोगों के काम करें जहाँ पे जो गरीब है, बेरोज़गारी है, यूथ वगैरह नौजवान देखो आप कितने जो पीछे मजबूर और परेशान दुखी हो चुके हैं, गलत नशों में जा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि उनको अच्छी प्लेटफॉर्म पर लाएँ और अच्छी रास्ता पर उनके मदद करें, उनकी सपोर्ट करेगी जो हमारी पार्टी है और चिराग जो हमारे जो नौजवान यूथ के नेशनल प्रेसिडेंट हमारे हैं, MP भी हैं वो, तो हम उनसे छोटे छोटे जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो छोटे छोटे काम हैं वो उन तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं, वो भी हमसे काफ़ी कॉपरेट कर रहे हैं और हमें पूरा हौसला दे रहे हैं, हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जम्मू कश्मीर जो हमारा जो दलदल में फंसा हुआ था इसको हम नया शेप देना चाहते हैं। जो आज UT बन चुकी है, स्टेट हमारी टूट चुकी है, आज बिजली पानी के देखो बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई देखो कितनी ज़्यादा हो चुकी है, तो हम यही चाहते हैं कि हर चीज़ पे जो लगाम लाई जाए और जो जम्मू कश्मीर के जो लोग बेबस हो चुके हैं अब इन लोगों को हम अच्छे प्लेटफॉर्म में लाना चाहते हैं। इनकी जो दिल की बड़ास है वो बाहर लाना चाहते हैं, क्या है इनकी लोगों की मजबूरियाँ, क्या क्या परेशानियाँ हैं, तो इसीलिए हमारी पार्टी जो काम करेगी गरीब लोगों के लिए काम कर रही है, ये पार्टी ऐसी चलती रहेगी और गरीब लोगों के काम करती रहेगी।